हेलो दोस्तों, आज वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि मेंटल हेल्थ पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकता है कोई पर्सन, या क्या क्या बन सकता है, कौन कौन सी पोस्ट पे जा सकता है, उसको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। तो फर्स्ट है स्टाफ नर्स, यानी कि ओनली मेंटल हेल्थ की स्टडी करेगा तो उसको केवल स्टाफ नर्स मिलेगी। फिर आगे अगर वो रहे स्टडी करता है तो उसको कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स भी बन सकती है। फिर है काउंसलर बन सकते हैं इसमें, यानी कि मेंटली पेशेंट होते हैं उनकी काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर भी बन सकते हैं। फिर साइकेटिक नर्स बन सकते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होता है उसके पास साइकेटिक नर्स की ज़रूरत होती है। मेंटल हेल्थ टीम मैंने बता दी थी उसमें कौन कौन से लोग काम आते हैं, किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन होता है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। फिर है असिस्टेंट नर्स बन सकते हैं, डिपार्टमेंट सीनियर नर्स बन सकते हैं, साइकेटिक नर्स एजुकेटर बन सकते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिकल डिजीज होती है उनमें एजुकेशन देने के लिए नर्स एजुकेटर भी बन सकते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। फिर है नर्स रिसर्चर बन सकते हैं, होलिस्टिक नर्स बन सकते हो, फॉरेंसिक नर्स बन सकते हो, यानी कि जो फॉरेंसिक लैब होती है इनमें भी आप फॉरेंसिक नर्स बन सकते हो। फिर है केस मैनेजर बन सकते हैं, जीरो मतलब क्या होता है, ओल्ड पर्सन नर्स, जीरो टेल्थ हेल्थ या फिर टेल्थ नर्स, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन कंटेंट लेते हैं, यानी कि एक ऑनलाइन कंसल्टेंट करते हैं। फिर है नर्स फार्माकोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, इनको मतलब मेडिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, वो ये बन सकता है। फिर है साइकेटिक होम केयर नर्स, यानी कि होम केयर नर्स भी बन सकते हैं, कोई पेशेंट अगर वो हॉस्पिटल नहीं आ सकता तो उसको काउंसलिंग करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर थेरेपी देने के लिए आपको घर पर भी जाना पड़ सकता है, तो वो नर्स साइकेटिक होम केयर नर्स भी बन सकते हैं। तो गाइज ये स्कोप होते हैं आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको ये बनना है तो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी नहीं चैनल को लाइक करके लाइक प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन वापस पहुंचाए और आप मेरी वीडियो देख सके। तो गाइस मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसी और न्यू वीडियो देख सके।